मामा, मैंने कुछ खाने की चीजें आपके लिए मंगवाई हैं, क्या दूं आपको? नेहा, तुम जानती हो ना कि खाला की हालत ऐसी नहीं है कि ये सब अला बला खाए। फिर भी ये अला बला बनाकर तुम खाला की हालत मजीद खराब करना चाहती हो। मामा, मैंने सब कुछ बहुत देख सुन के मंगवाया आपके लिए, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपकी तबीयत मजीद खराब होगी। नेहा, तुम जानती हो कि डॉक्टर ने कितना सख्त परहेज कराया है खाला, फिर भी ऐसा कर रही हो। हम खाला की हेल्थ को बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। अगर ये सब खाएंगी तो उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगी। खाला, बस कोई जरूरत नहीं है अला बला खाने को। बस कम अज कम मैं तो आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। ठीक है, जैसा तुमको। ठीक, चले मैं आपके लिए यखनी बनाती हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। चल उठे उठे, उठे। हाँ जी बीबी, ये सब जो है ना सही से पैक करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा। बल्कि जाते हुए ना आप क्वार्टर में अपने साथ ले जाएगा, बच्चे शौक से खा लेंगे। मगर छोटी दुल्हन, ये सब कुछ तो आपने बहुत शौक से बनाया था ना, तो आप कुछ तो खा लीजिए। क्या फायदा, जिनके लिए बनाया था उन्हीं को पसंद नहीं आया तो। खैर आप छोड़े ना, आप ले जाइएगा अपने साथ। नेहा, क्या हुआ, ये सब कुछ समेट क्यों रही हो? और वो उमर आए और सीधा कमरे में चला गया, खैरियत? एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम आई हो और उमर सीधा कमरे में चला जाए। पहले तो वो दोनों घंटों बातें करते फिर कहीं जाके सुकून लेते, बहुत दोस्ती है दोनों। भाभी एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ बस। हाजी भी आप ये सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है? Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.